अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अच्छे काम अच्छी बातें। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम जो है जोरों शोरों पर है और बहुत ही ज्यादा सर्दी है, तो सर्दी में क्या खाना चाहिए और क्या स्पेशल जो है सर्दियों में बनते हैं, आइए नाजरीन आपको दिखाते हैं। शुक्रिया। सर्दियों में जो है पंजीरी जो है बहुत ही शौक से बंदे बनाते हैं, जिसके लिए आपको क्या क्या चाहिए आइए नाजरीन आपको दिखाते हैं। ये है 1 kg सूजी और ये है 1 kg घी, देसी घी जो है गाय का जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्त घी है। तो ये है देसी शक्कर 1 kg, ये ले लेनी है आपने। बादाम लेने हैं और अखरोट लेने हैं और काजू लेने हैं, और ये भी एक चीज़ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और पिस्ता जो है विदाउट छिलके वाला आपने लेना है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये है चने, चने विदाउट छिलके वाले जो हैं जिनको खीले बोलते हैं लोग, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सौगी चाहिए आपको, और ये जो है कोकोनट खोपा, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं ये कैसे बनती है। हमने जो है अपने हिसाब से बनानी है, कितनी खानी है वैसे जो इतनी मर्ज़ी आप बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी हाफ फ्राई करनी है, थोड़ी थोड़ी फ्राई करके सारी चीज़ थोड़ा सा जो है इसको फ्राई करके आप जो है एक जो है ट्रे ले लें, उसमें जो है आप डाल लें। जैसे कि नाज़रीन कोकोनट भी जो है अभी रेडी हो चुकी है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने जो है इनको ग्राइंडर करना है, तो ग्राइंडर करने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसा कि नाज़रीन अभी जो है घी जो है कढ़ाई में डाल दिया गया है, और अभी सूजी जो है इसमें कुक की जाएगी। ये सूजी जो है हमने कुक करने के लिए रख दी। जैसे कि नाज़रीन सूजी जो है अभी काफ़ी जो है गाढ़ी हो चुकी है, अभी सूजी को निकाला जाएगा एक बर्तन में, तो फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि नाज़रीन अभी जो है सूजी जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है, अभी इसको ठंडा रखने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे। शुक्रिया। ये शक्कर अभी जो है ऐड कर दिया हमने, सारा सामान जो है ग्राइंड कर दिया है, अभी जो है ये मिक्स करेंगे। देखिए नाज़रीन बुज़ुर्ग भी आ चुके हैं साथ साथ में, हम वाले साहब से कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम साथ साथ में जो है ये सर्दियों की सौगात जो है पंजीरी बनाई जा रही है। जिंदगी को जो है खुशबाश गुजारना चाहिए, हैप्पी ऑलवेज। जैसा कि नाजरीन जो पंजीरी जो है रेडी हो गई है, ये सारी बाल्टी जो है तैयार कर दी गई है। वैसे नॉर्मल ये बाल्टी फुल हो जाती है, इस वक्त इस टाइम हमने थोड़ा सा कम बनाया है, तो हमने डिश आउट कर लिया है। तो नाजरीन आइए आपको दिखाते हैं खाकर कैसा बना है। जैसा कि नाजरीन बहुत ही जबरदस्त